तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके सामने भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि फिल्मोरा का आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है और वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा हूं, आप देखेंगे कि यहां पे एक एरर शो हो रहा है। ये देखिए, फेल टू एक्सपोर्ट चेंज डिवाइस पासवर्ड इन GCMob ICMob न्यू वर्जन GCMob मोबाइल ऐप 1.mp4 डू यू वांट टू रिट्राई। तो इस तरह का एरर आ रहा है और ये हम बात कर रहे हैं फिल्मोरा 13 की। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम फिल्मोरा में आ रही है, तो इसका क्या सोल्यूशन होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, आपके सामने भी अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको करना क्या है। आपको जाना है डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में ये जो फिल्मोरा है 13, ये वंडर शेयर वाले फोल्डर में है और इसी में एक और फोल्डर बना है वंडर शेयर फिल्मोरा। तो यहाँ पे देखिए, ये सारी फाइलें मिल जाएंगी। जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं वो प्रोजेक्ट में आके सेव होता है। स्नैपशॉट लेते हैं तो स्नैपशॉट वाले फोल्डर में सेव होता है। रेंडरिंग कुछ होती है तो रेंडरिंग फोल्डर में सेव होता है। आप यह देख सकते हैं, ये रेंडरिंग फाइल्स हैं। तो अभी आपको करना क्या है, आपको जाना है बैकअप वाले फोल्डर में और यहाँ पे आपको बैकअप दिख रहा होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इन सबको सेलेक्ट ऑल करके डिलीट करना है। आपको सेलेक्ट ऑल करेंगे और डिलीट कर देंगे। डिलीट हो गया, बैक जाएंगे और यहाँ पे टेम्पररी फोल्डर भी कुछ हमारी फाइल्स है पड़ी हैं, इनको भी हम डिलीट कर देंगे। सेलेक्ट ऑल करके डिलीट। तो ये फाइलें हमारी डिलीट हो चुकी हैं यहाँ पे। आइए अब क्या करते हैं, दोबारा से एक बार इसको एक्सपोर्ट मार्केट चेक करते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट जो है हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम जगह भी चेंज कर देते हैं, हम इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं। एक्सपोर्ट करके देखते हैं। तो ये देखिए, हमारी फाइल एक्सपोर्ट हो गई है। तो अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो चुका है। आइए इसको प्ले करके भी चेक कर लेते हैं। तो जो न्यू वर्जन आया है GCMob मोबाइल ऐप का, अगर आपको, तो अभी आपने देखा कि हमारी प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो चुकी है और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इजीली एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो काम का लगा है, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है, तो आप इसको लाइक या फिर शेयर कर सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपसे अगले वीडियो मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।